नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। उपस्थित हैं गोरखपुर में। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी अच्छा प्रभाव रखने वाले और नंदी सेना के प्रमुख हैं। आज हमारे साथ जुड़ करके कुछ बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और आपके न्यूज चैनल को भी। आज हमारे बड़े खुशी के मौके पे आप उपलब्ध हुए हैं। ये ज्ञानवापी हमारे लिए वैसे ही है जैसे शरीर का चेहरा। शिव हमारे आराध्य ही नहीं है, अपितु तो विश्व के भी गुरु हैं, तीनों त्रिलोक के गुरु हैं। और उनके पूजा स्थान को माननीय मुलायम सिंह ने जो 1993 में बंद किया था, वो बहुत बड़ा जघन्य पाप किया था। उस पाप से वो मुक्त हुए कि नहीं हुए मैं नहीं जानता, लेकिन हम हिंदुओं के लिए वो कलंक, वो पाप बार बार सालता रहा, जिसे आज हमको मुक्ति ही नहीं मिली अपितु पूजा का जो अधिकार मिला है, उसे हम नए भारत का, नए भारत के रास्ते का राम आए और राम के आराध्य रामेश्वरम यानी काशी विश्वनाथ के शिव भी आ गए। ये बड़ी खुशी ही, अपार प्रसन्नता का, भले ही जनता शांत हो, अपार प्रसन्नता का दिन। हालांकि बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, फिर भी व्यास स्थान पे पूजा का स्थान हमें मिल गया, अधिकार मिल गया। व्यास स्थान से ही सही एक नए भारत के शुरुआत का एक नया प्रचंड वेग शुरू हो गया। फिर से ठोक दो, ज्ञानवापी को भी तोड़ दो। सर क्या कहेंगे, क्या कहने वाले हैं इस खुशी के माहौल पे? क्या कहेंगे? खुशी के माहौल पर यही कहना चाहेंगे कि आप, हम किसी का छीनेंगे नहीं, हम किसी का लेंगे नहीं, बल्कि सबके, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, सबकी रक्षा करेंगे, यहाँ चाहे वो चर्च हो, लेकिन हमारा जो है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे नंदी सेना का काम ही यही है कि जनता की सेवा, निर्धनों का विवाह, मुफ्त चिकित्सा के साथ साथ अपनी पौराणिक स्थलों को बचाने का काम। और पौराणिक स्थलों ही नहीं, अब तो हमारी आत्मा, हमारी शरीर, हमारे चेहरा शिव और शिव की आराध्या माँ गौरी, जिसका स्थान का नाम ही ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं। वो कुआं कहीं प्रतिबंधित हो, कहीं पे दबा पड़ा हो, तो बड़ा ही निंदनीय, कलंकनीय ही नहीं अपितु हमारे मानसिक कुंठा का भी द्योतक था। व्यास चौक से ही सही हमने एक नया आरंभ कर दिया नए युग का। धन्यवाद। और आप लोग भी क्या प्रतिक्रिया देते हैं कोर्ट पे, जो कोर्ट ने जो आदेश किया है काशी के लिए, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहें आप पीएन न्यूज और सर के लिए प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। मैं पंकज सिंह सिनेत, नंदी सेना प्रमुख, आपके भाजपा में एक छोटा सा कार्यकर्ता में, एपीएन न्यूज को, आपको, आपके सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। और एक खुशी के साथ ज्ञानवापी के ही माध्यम से अपने आराध्य को पाने का कैलाश भी आएगा, इस सपने के साथ आपको हार्दिक धन्यवाद।